मैं वजी से बात करती हूँ इस बारे में, ठीक है? फिर बात करते हैं। अरे मेरा शेर सो रहा है। वैसे एक बात हम दोनों बाप बेटे में कितनी कॉमन है ना, कि जैफा सोते वक्त मेरी तरह कितना प्यारा और मासूम लगता। हाँ, एक बात और कॉमन है आप दोनों में, अच्छा वो क्या? वो ये कि आप दोनों बाप बेटे कोई मौका मिस नहीं करते मुझे सताने के लिए। वजी, प्लीज, क्या कर रहे हैं? ऑफिस से आते ही आप उसको उठा रहे हैं। अभी आधा घंटा पहले सोया है वो। अब कच्ची नींद से उठ जाएगा ना तो मूड खराब हो जाएगा उसका। प्लीज। अरे मैडम आपको क्या पता, जब मैं ऑफिस में होता हूँ ना तो इसे बहुत मिस करता हूँ। अच्छा, सिर्फ ऐसे ही मिस करते हैं? नहीं, तुम्हें भी बहुत मिस करता हूँ, लेकिन एक्चुअली शादी को इतना अरसा गुजर गया है ना, ये बात बार बार जताना जरूरी तो नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं, हमारी शादी को काफी अरसा हो गया है और ऐसी बातें तो नई बीवियों के साथ ही अच्छी लगती हैं। मैं तो पुरानी हूँ। अरे निमल निमल निमल, तुम मेरी बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? हाँ कहां चल दी, बैठो ना। हमारी शादी को बहुत अरसा हो गया है ना, अब मैं आपको वक्त दूं ना दूं उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तुम्हारी लॉजिक है, खैर क्या कह सकता हूं। आपसे ही सीखी है मैंने। आपके लिए चाय बनाने जा रही हूँ, जाइए फ्रेश हो जाएं। करते मेरे मालिक, एक तू ही है जिसके सामने अपना मामला बिला झिझक बयान कर सकता हूं। तू तो मेरी शहरक से वाकिफ है, ना जाने मुझसे इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया। मैं एक नहीं दो औरतों का मुजरिम बन गया। मैं तुझसे माफी का तलबगार, मुझे माफ कर दे और अपने खास कर्म से इस मुश्किल से निकाल दे, मेरे इस इम्तिहान को खत्म कर दे।